उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा एवं समय पर भोजन मिल सके इसके लिए लगातार काम कर रही है। बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ दे रही है। शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बालक एवं बालिकाओं व्यक्तित्व सर्वगुण विकास कर उसमें अच्छे मूल्यों और आदर्शों को विकसित करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का भविष्य राम भरोसे है। दरअसल पूरा मामला प्रयागराज जिले के विकास खंड प्रतापपुर के प्राथमिक विद्यालय देवली का है, जहां की सहायक अध्यापिका रति को स्वयं मुख्यमंत्री की स्पेलिंग लिखना ना आता हो तो बच्चों को शिक्षा कैसे देगी। चौंकाने वाली बात ये है कि जब सहायक अध्यापिका रति से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो उन्होंने आदित्यनाथ योगी बताया। उनके ही बच्चों से पूछा गया तो उनके ही बच्चे स्वयं के स्कूल का नाम नहीं बता पाए। बच्चों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का नाम भी मालूम नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से चौपट है। बच्चों की जिंदगी राम भरोसे चल रही है। जरूरत नहीं पड़ती आपको अभी तो नहीं पड़ी। नहीं, आपको नहीं पड़ी है कभी? आपको नहीं पड़ी है? क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी बीएड, एमए बीएड है। एमए बीएड है, तो आप बताइए, बीएड की छात्रा हैं आप? बीएड की छात्रा रही हैं, अभी आप अध्यापिका की पोस्ट पे आप यहाँ पे कार्य कर रही हैं। सैलरी क्या आपकी? 69,000 रुपये। 69,000 सैलरी आप ले रहे हैं तो बच्चे को भविष्य संवारने के लिए ना कि बिगाड़ने के लिए। सर, संवारती हूँ, डेली आती हूँ, मेहनत से पढ़ाती हूँ। अब जरूरी नहीं कि जो आप पूछे वो मैं बता दूँ। अच्छा, वो जरूरी नहीं है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जितना इनको पढ़ाना रहता है उतना मैं आराम से अच्छे से सारा दिन पढ़ाती हूँ, सारा दिन मेहनत करती हूँ, समय से आती हूँ, समय से जाती हूँ। ये जस्टिफाई आंसर आपका है? हाँ। अच्छा, मतलब आप चीफ मिनिस्टर को नहीं जानती होंगी फिर, इसका मतलब ये भी तो है आप नहीं जानती। अच्छा, प्रधानमंत्री को नहीं जानती होंगी? जानते हैं। क्या नाम है उनको? श्री नरेंद्र मोदी दास मोदी। और राष्ट्रपति का नाम बताइए? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम बताइए? श्री आदित्यनाथ योगी। वहीं जब इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर राकेश कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे लापरवाह शिक्षक और शिक्षिकाओं की जांच कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय डीहवा देवली की अध्यापिका श्रीमती रति द्वारा यदि मुख्यमंत्री महोदय का नाम या चीफ मिनिस्टर शब्द शुद्ध रूप से न लिख पाना यह ठीक नहीं है। उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि अब कठिन शब्दों या जो अन्य शब्द हैं उनको लिखने का अभ्यास करें और बच्चों को सही शब्दों में लिखना सिखाएं, क्योंकि यदि उनको ही नहीं सही जानकारी होगी तो बच्चों को भी गलत शब्द सिखाएंगे।